नमस्कार, एमके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप शिखा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। वाराणसी के लम्भी स्थित सुभाष भवन में शुक्रवार को काशी धर्म परिषद की ओर से संतों की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में उपासना स्थल अधिनियम 1991 को तत्काल रद्द करने समेत कुल 22 प्रस्ताव पास हुए। वहीं पातलपुरी मठ के पीठाधीश्वर महंत स्वामी बालक दास ने बताया कि इन प्रस्तावों की सूची राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री के साथ ही शासन प्रशासन से जुड़े सभी शीर्ष लोगों को भेजकर उन्हें अमल में लाने की मांग की जाएगी। चंपावत उपचुनाव में पुष्कर सिंह धामी की बंपर जीत को लेकर आज राजधानी दून में जीत का जश्न मनाया जा रहा है, जहां तमाम विधायक और मंत्री ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरकते नजर आए। पुष्कर सिंह धामी ने 13 राउंड तक कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी को परास्त किया। वहीं चंपावत उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी पुष्कर सिंह धामी को करीब 57,000 मतों से कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी को कुल 3,147 वोट मिले हैं। सपा प्रत्याशी मनोज कुमार को 409 वोट मिले, तो वहीं निर्दलीय प्रत्याशी हिमांशु गरकोटी को 399 मत प्राप्त हुए। नोटा को 372 वोट ही मिल पाए। धामी जी की ऐतिहासिक जीत पर धामी जी को बधाई देता हूँ। वहीं चंपावत की महान जनता का आभार व्यक्त करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। इन्होंने एक ऐतिहासिक विजय धामी जी को वहां से दिलाई, भारतीय जनता पार्टी को दिलाई। मैं 20 दिन उस चुनाव में वहां पर रहा और वहां की जनता ने विकास के नाम पर वोट किया। कुशल सिंह धामी जी ने 6 महीने के अंदर जो विश्वास जनता के अंदर पैदा किया था, उस विश्वास पर वोट किया और ये ऐतिहासिक जीत ली है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जिस विश्वास के साथ चंपावत की महान जनता ने दलगत भावना से ऊपर उठकर कुशल सिंह धामी को जो विजय दिलाई है, उसी प्रकार कुशल सिंह धामी जी के नेतृत्व में चंपावत का विकास होगा, ये भरोसा है वहां की जनता को। चंपावत उपचुनाव में जीत की घोषणा के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी पत्नी गीता धामी व पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी के मंदिर पहुंचकर आशीर्वाद दिया। इसके उपरांत रिटर्निंग ऑफिसर नरेंद्र सिंह भंडारी से निर्वाचन प्रमाण पत्र प्राप्त किया। लक्सर में सीएम की जीत पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी भारी उत्साह देखा गया। वहीं कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। ये सुनने की भूमि है, और यहाँ के सभी महान देवपुत्र हमारे मतदाता है, भाई बहन, बड़े बुजुर्ग हैं, माताएं बहन हैं, नौजवान साथी, इन्होंने बढ़ चढ़ कर मतदान किया और एक इतिहास बनाने का काम किया है चंपावत की भूमि। मैं उन सभी का हृदय की गहराइयों से उनका धन्यवाद करता हूँ और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ, राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस आम चुनाव के बाद ये जिम्मेदारी दी थी और आज चंपावत क्षेत्र की महान जनता ने उस पर मोहर लगाई है। बड़े हम उनके ऋणी हैं, आदरणीय कैलाश दा के, उन्होंने मुझे यहाँ के लिए प्रस्ताव किया, यहाँ मुझे बुलाया। यहाँ की क्षेत्र की जनता ने अपना भारी समर्थन और आशीर्वाद दिया है। हम उसको विकास के रूप में जो उनकी अपेक्षाएँ हैं, जो यहाँ के आएक उनकी अपेक्षा और प्रतीक्षा अनुसार इस क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे। भारत के मानचित्र में हमारा ये चंपावत क्षेत्र आए, उसके लिए कृत संकल्पित होकर काम करें। पुष्कर सिंह धामी विजय हुए हैं। सब कार्यकर्ताओं में पूरा जोश है और पूरी खुशी की लहर है पूरे उत्तराखंड में, और भारी मतों से विजय प्राप्त हुई है। और जैसे पहले से काम कर रहे थे उससे भी बेहतर आगे अपना कार्य करेंगे। अपने पुष्कर सिंह धामी जो भाजपा के मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, उनकी खुशी में पूरे लक्सर में हमने लड्डू वितरण किया। मामला अलीगढ़ के कासिमपुर पावर हाउस का है, जहां पावर हाउस में राख डंप से आसपास के कई गांव में तरह तरह की बीमारियां पनप रही हैं। ग्रामीणों की फसल खराब हो रही है, जिसको लेकर आसपास के दर्जनों ग्रामीण पिछले 12 दिन से धरने पर बैठे हैं और जिला प्रशासन व राज्य सरकार से कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार कासिमपुर पावर हाउस के निकट पावर हाउस का राख डंपिंग है, जहाँ
पावर हाउस से निकलने वाली राख को फेंका जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि डंपिंग पर फेंके जाने वाली राख तेज हवा से उड़ती है और आसपास के करीब आधा दर्जन गांव में फैलती है, जिससे कि ग्रामीणों को बीमारियां पनप रही हैं। इससे फसल को भी भारी नुकसान हो रहा है। वहीं समस्या को लेकर आसपास के दर्जनों ग्रामीण धरने पर बैठे हैं और जिला प्रशासन व राज्य सरकार से डंपिंग पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ऐसा इनकी चार पांच मांगे हैं, जिनमें सबसे पहली और महत्वपूर्ण मांग यह है कि 5 किलोमीटर के कासिमपुर पावर हाउस के 5 किलोमीटर के इलाके में 24 घंटे बिजली दी जाए। तो उसके लिए हमने इन्हें ये कहा है कि हम जो ज्ञापन है वो संबंधित जगह भेजेंगे और यहाँ पूर्व जिलाध्यक्ष भी आए हैं, वो भी कह रहे हैं कि वो भी लगेंगे और हम लोग भी यहाँ से प्रस्ताव भेजेंगे शासन स्तर से, जो संभव होगा वो कराने की कोशिश की जाएगी। धरने का समापन हो गया या नहीं? हाँ, धरने का समापन हमने इन्हें आश्वस्त किया है। दूसरा इनकी मांग थी यहाँ वो राख का जब तक उठान ना हो, जब तक यहाँ वो ना हो, फुब्बारे वगैरह ना हो, तो छिड़काव कल से प्रॉपर होगा और राख नहीं उठेगी। जब तक किसी सक्षम अधिकारी का आदेश नहीं होगा तब तक राख यहाँ से ठेकेदार जी। बिजली 18 घंटे लाइट का शेड्यूल है ग्रामीण क्षेत्र में, वो अभी भी नहीं आ रही, उसके लिए क्या कहना है? नहीं, अभी एक्सीएन साहब से बात हुई है, बीच में जो आंधी वांधी आ गई थी उसमें डिस्टर्ब हो गई है लाइट, कल से प्रॉपर आने लगेगी। अलीगढ़ के गांव इब्राहिमाबाद में अवंतीबाई लोधी की जयंती पर युवाओं ने बाइक रैली निकाली। बाइक रैली में बाइक सवार कुछ युवाओं ने तमंचा लहराकर प्रदर्शन किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस मामले को लेकर पुलिस ने संज्ञान लिया है। वहीं बताया जा रहा है कि ये रैली बिना अनुमति के निकाली गई थी, जिसमें बाइक पर सवार एक युवक का तमंचा लहराते हुए वीडियो सामने आया, जिसके चलते कार्यक्रम के संयोजक तथा युवक पर कार्यवाही करते हुए थाना हरदुआगंज में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। हरदुआगंज थाना क्षेत्र के इब्राहिमाबाद गांव से सूचना आई थी कि अवंतीबाई लोधी जयंती के अवसर पर कुछ युवकों द्वारा बाइक रैली निकाली गई थी। इस बाइक रैली की वीडियो भी सामने आई है। उस वीडियो में दिखाई दिया है कि एक युवक एक शस्त्र को लहराता हुआ सामने आया है। क्योंकि ये रैली बिना प्रशासन की अनुमति के निकाली गई थी, इसलिए जो इसके आयोजक हैं तथा उस व्यक्ति जिसने असला लहराता हुआ दिखाई दिया है, उनके खिलाफ हरदुआगंज थाना में एक अभियोग पंजीकृत कर दिया गया समुचित धाराओं में। टीम गठित है इनकी गिरफ्तारी के लिए, जल्दी इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कराई जाएगी और आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। रुड़की में 2 बड़े भवनों को सील किया गया, जिससे भवन स्वामियों में हड़कंप मचा हुआ है। वही मामले को लेकर जॉइंट मजिस्ट्रेट ने कहा कि नियमों के विरुद्ध दोनों भवनों में काम करवाया जा रहा है, इसीलिए दोनों को HRDA ने सील किया है। उन्होंने कहा कि यदि इसमें किसी भी कर्मचारी की मिली भगत पाई गई तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल शहर में जो भी अवैध तरीके से भवनों का निर्माण कर रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। लगा रखी है इन्होंने, आगे के फ्लोर्स भी ये लोग बना रहे हैं। ऑलरेडी इसमें 1-1.5 महीने पहले भी आए थे, तब इनकी हियरिंग चल रही थी, तो इन्होंने रिक्वेस्ट करी थी कि हमें सामान थोड़ा सा अपना, ताकि सामान वेस्ट ना हो तो उसको इधर से उधर करने की परमिशन दे दी है, तो दैट वाज द ओनली परमिशन गिवन। कंस्ट्रक्शन पे रोक लगी हुई थी, इनकी फाइल भी उच्च अधिकारी द्वारा तलब कर रखी है पहले भी, फिर भी ये लोग धड़ल्ले से काम कर रहे हैं यहाँ, तो अभी इसको सील किया जा रहा है। दोबारा से हम सील के आदेश लगा रहे हैं और यहाँ एक नोटिस भी लगा रहे हैं, अगर किसी को भी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ काम चल रहा है तो HRDA को लोकल थाने को इन्फॉर्म करेंगे, लोकल थाने को आदेश चले जाएंगे, यहाँ कोई काम नहीं होगा। यदि काम होता है तो 188 IPC और बाकी जितनी भी धाराएं लगेंगी उसमें जो एक ऑफिशियल ऑर्डर को नहीं मानने वाली रहती हैं उसके खिलाफ, उन लोग के खिलाफ मुकदमा किया जाएगा। हल्द्वानी पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काठ गोदाम के सर्किट हाउस में अधिकारी और कर्मचारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में बताया कि सभी अधिकारियों को समय पर कार्यालय पहुंचकर अपनी उपस्थिति करानी चाहिए और जितनी भी समस्याएं लोगों की होती हैं उसका तत्काल निराकरण किया जाए। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं का लाभ दिया जाए। हमारा सुशासन मेन मुद्दा है, अधिक मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, सरलीकरण, समाधान और निस्तारण, ये हमारा मूल मंत्र है। इस मंत्र को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, इस पर हम काम कर रहे हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य कि हमारे सभी अधिकारी, हमारे सभी कर्मचारी जो तय समय सीमा है उस समय सीमा पर कार्यालय में जाएँ,
लोगों को समस्याओं का समाधान करें, लोगों को सुविधाएं दें, लोगों की जरूरतों पर ध्यान दें और उनका निस्तारण करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार चलाया जा रहा है। वहीं दिल्ली गेट और बाग फरजाना में बाबा का बुलडोजर चला। अतिक्रमण के दौरान एक महिला ने बुलडोजर के आगे खड़े होकर महिला ने विरोध किया। वहीं नगर निगम कर्मचारियों के रहवासियों से नोकझोंक भी हुई। वहीं तहसील किरावली में भी उप जिलाधिकारी अनिल कुमार सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों साल पुराना कुआं, डेढ़ दर्जन बने अवैध मकान ध्वस्त किए गए। कार्यवाही के दौरान क्षेत्रीय विधायक चौधरी बाबूलाल मौके पर पहुंचे। आज थाना फतेहपुर सीकरी के अंतर्गत गांव सहनपुर में ग्राम सभा की जमीनों पर से कब्जा हटवाया गया है। ये जमीन में पंचायत भवन बनना है और इसके अतिरिक्त खेल का मैदान और आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना की जानी प्रस्तावित है। ये लगभग डेढ़ एकड़ जमीन है, जिसमें डेढ़ एकड़ जमीन में लोगों ने कुछ ने चार दीवारी बना के 15-16 पक्के निर्माण, भूसा गोदाम वगैरह, गाय भैंस बांधना, इस तरह के निर्माण किए हुए थे और एक पक्की दुकान थी, जिन्हें आज सबको ध्वस्त करके कब्जा मुक्त कराई गई है। अलीगढ़ जिले में टॉप 10 शूटर प्रवीण बजौता की 1 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। प्रवीण बजौता ने प्रदेश के बड़े सीमेंट कारोबारी संदीप गुप्ता हत्याकांड को अंजाम दिया था। वहीं अलीगढ़ पुलिस ने उसे हार्डकोर क्रिमिनल की श्रेणी में रखकर कार्रवाई की है। वहीं थाना सिविल लाइन पुलिस ने भी प्रवीण बजौता के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की। ये जो अवैध कारोबार करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ जनपद पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है और दो ऐसे माफिया जो नकली मोबिल बनाने का काम किया करते, नकली तेल बनाने का काम कारोबार किया करते थे बड़े पैमाने पर, उनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई थी और आज उनकी उस अवैध कारोबार से जो संपत्ति अर्जित की गई है उसकी कुर्की की कार्रवाई आज स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर की जा रही है। और ये दोनों का नाम शनी अहमद कुरैशी और शारिक, जो दोनों भाई हैं, ये इन इसमें से एक की 1 करोड़ 72 लाख और 1 करोड़ 70 लाख, इस तरह लगभग 3.5 करोड़ रुपये की संपत्ति दोनों की मिलाकर कुर्क की गई है। यूपी के आगरा में दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है, जहां पुलिस के सिपाही की बेटी की पहले बेरहमी से हत्या की गई, जिसके बाद उसके शव को जला दिया गया। अगले दिन पुलिस को सूचना मिली तो लड़की के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कल सुबह मॉर्निंग में जब गस से हमारे कॉन्स्टेबल लौट रहे थे सुबह 4 बजे, तो एक युवती उन्हें घास में जलती हुई दिखाई दी, एक लाश जलती हुई दिखाई दी, जिस पर वो पहुंचे और उसे उन्होंने बुझाया। बाद में उसका पंचनामा पोस्टमार्टम किया गया और बाद में इसकी शिनाख्त हुई और शिनाख्त के बाद ये पता चला कि इसके एक लड़के के साथ संबंध थे और ये लड़की उसके यहाँ गई थी और जाने के बाद वहाँ पर इनमें आपस में तकरार हुई और लड़के ने इसका मर्डर कर दिया और मर्डर करके लड़का और उसका बाप दोनों इस बॉडी को एक गठरी में बांध के, एक कपड़े में बांध के जहाँ पर ये मिली थी वहाँ पर फेंक के गए और उसे जो है वो तेल डालकर जलाना चाहा। उसका पेट और नीचे का हिस्सा जल गया था, ऊपर का हिस्सा कॉन्स्टेबल्स के वहाँ पहुँचने पर बच गया था। इस संबंध में उस लड़के की जिससे इस पेट में संबंध थे और इसके फादर की गिरफ्तारी हुई है। इस लड़की का जो मोबाइल उन्होंने फेंका था उसे बरामद किया गया है, उसका जूता उसके घर से बरामद किया गया है और बाकी साक्ष्य संग्रह करके उन्हें जेल भेजा गया। पुलिस अधीक्षक गोंडा संतोष कुमार मिश्रा ने पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में परेड की सलामी ली तथा परेड का निरीक्षण किया। शुक्रवार साप्ताहिक परेड के दौरान समस्त जवानों के साथ दौड़ व पुशअप्स लगाकर मानसिक व शारीरिक रूप से फिट रहने के लिए संदेश दिए। उन्होंने शारीरिक गतिविधियों जैसे दौड़, खेलकूद, व्यायाम को नियमित तौर पर करते रहने के निर्देश दिए। परेड के दौरान दोपहिया चार पहिया PRV वाहनों को चेक किया। वहीं चुनाव प्रक्रिया को सकुशल संपन्न कराने के लिए अधिकारियों व कर्मचारियों को नगद पुरस्कार से सम्मानित किया।
यमकेश्वर विधानसभा में 4 दिवसीय बलौदी पारिवारिक मिलन समारोह का शुभारंभ हुआ। समारोह का शुभारंभ विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खडूड़ी भूषण ने किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने गांव में पहुंचे प्रवासियों से आह्वान किया कि अपना गांव घर न छोड़े, पूर्वजों की विरासत संस्कृति एवं संस्कारों को संजो कर रखें। बलौदी परिवारों द्वारा आयोजित पारिवारिक मिलन समारोह में 100 से अधिक प्रवासी परिवार गाँव पहुंचे। इस अवसर पर मंगल गीत एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति आयोजित की गई। रुड़की जॉइंट मजिस्ट्रेट अंशुल सिंह ने नवीन मंडी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अतिथियों से शुल्क लिए जाने की जानकारी दी। इसके साथ ही व्यापारियों ने जेएम को समस्याएं बताई और उनके निदान की मांग की। वहीं मंडी में आई गाड़ियों की एंट्री न मिलने पर मंडी निरीक्षकों को जमकर फटकार लगाई। वहीं मंडी व्यापारियों ने कहा कि वह लाखों रुपए टैक्स देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मूलभूत सुविधाओं समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता। जेएम ने उक्त समस्याओं के निस्तारण का आश्वासन दिया। देखिए, सब्जी मंडी की काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही थी और ऐसे जब हमने यहाँ आके विजिट कराया तो काफ़ी अनियमितता पाई गई हैं। पहले तो जो गेट पासेज होते हैं जो इनके कट के उसी समय फार्मर को देने चाहिए, तो तब देते नहीं, एट दी एंड ऑफ द डे देते हैं, उसमें अनियमितता रहती है, सरकार को वित्त की हानि पहुँचती है। दूसरी चीज़ है मूलभूत सुविधाएँ की जो बात करें तो बहुत ही ज़्यादा दयनीय है। अगर आप खुद आपके पास विजुअल्स हैं, आप टॉयलेट की देखेंगे तो इससे बेकार टॉयलेट्स आज की डेट में रुड़की में मैंने नहीं देखे हैं। पानी के लिए लोग कंप्लेंट कर रहे हैं कि पानी में कीड़े आते हैं। जो वाटर कूलर है इनका पिछले साल लगा था, जो भी है इस साल तो धूल जम रही है उस पर, तो नहीं चल रहा है। बाकी यहाँ देखा गया तो इन्होंने फड़ काफ़ी लगा रखी है, काफ़ी जगह इन्होंने वो लगा रखे हैं आपके जो जिसमें सामान तो रखते हैं, जिसको आप पैकेट्स वो रहेंगे, आप एक तरीके से कहेंगे प्लास्टिक बकेट्स कहेंगे, तो ऐसे बहुत सारे प्लास्टिक बकेट्स हैं वो जगह घेरते हैं, जो बड़ी वाली दुकानें रहती हैं उनके घेरते हैं। तो ऐसे में आप देखते हैं जो किसान जो हमारा दूर से आता है उसको काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। एक्चुअली में जिस कंसाइनी के पास जाना चाहता है उस तक पहुंचने के लिए उसे एक झंझोर तरीके से करना पड़ता है, तब तक यहाँ काफ़ी मिडिल मैन रहते होंगे, वो उसको ठग लेते होंगे। गढ़वाल के प्रवेश द्वार कोट द्वार में आने वाले यात्रियों के लिए यहां कायाकल्प किया जाएगा, जिसके लिए उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष व स्थानीय विधायक ऋतु खंडूड़ी भूषण ने निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क के दोनों और इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाकर फुटपाथ बनाया जाएगा, साथ ही सोलर लाइट लगाकर प्रकाश व्यवस्था को चकाचौंध किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष ने प्रवेश द्वार को भी पेंटिंग और लाइटिंग से आकर्षित बनाने को कहा। आगरा के खैरागढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आशाओं ने जमकर हंगामा मचाया। आशाओं ने बताया कि नर्स व डॉक्टर्स की अवैध वसूली व बाहर से दवाइयों को मंगाने के लिए कहती हैं और हर डिलीवरी केस पर लगभग 1500 से 2000 रुपए की मांग करती हैं। आशाओं ने बताया कि पैसे हर अधिकारी के लिए ऊपर तक जाते हैं। मामले को उप जिला अधिकारी ने संज्ञान में लेते हुए खैरागढ़ CSC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का दौरा किया। सर, बाहर से दवाई मंगाई जाती हैं, ग्लेप्स वगैरह सारी दवाई बाहर से, और डिलीवरी मैडम जो पैसे मांगती हैं, हर चीज़ के दवाइयों के भी मांगती हैं, और वो बोलती हैं कि हमारा नेक बनता है तो नेक दे दो, तो नेक से संतुष्ट नहीं होती हैं, हजार हजार रुपए मांगती हैं वो। क्या दवाइयाँ बाहर से मंगाई जाती हैं? बाहर से ही मंगाई जाती हैं सारी दवाई, यहाँ और भी है। हाँ, ये बोलते हैं कि हॉस्पिटल में दवाई नहीं है तो बाहर से क्यों दवाई, सारी दवाई हॉस्पिटल में मिलती है, क्यों बाहर से मंगाई जाती है, बोलती हैं यहाँ कोई दवाई नहीं है। ये मामला है कि मतलब जो डिलीवरी कराने आती हैं तो बाहर से दवाइयाँ मंगाती हैं, ग्लिप्स मंगाती हैं, तो हम कहते हैं कि मैम दवाई दे दो, क्यों कहती हैं कि बाहर से ले आओ, यहाँ कोई दवाई नहीं है। अच्छा, पैसे की भी कोई मांग करता है? हाँ, पैसे मांगती हैं कि इतने पैसे दो, 1500। मैंने कि मैडम जी तो गरीब हैं, जे नहीं दे पाएंगे। अरे, के हमसे भी तो ऊपर लिए जाते हैं पैसे। कौन कौन लेता है इस पैसे? MOIC लेते हैं, फार्मासिस्ट लेते हैं, स्टाफ नर्सें बोलती हैं, वो लेते हैं। सारे लोग पैसा लेते हैं, हम क्यों नहीं लेंगे तुमसे पैसा? कौन कहता है इस तरह से? स्टाफ नर्सें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए MK News के साथ। नमस्कार।